गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस फॉर सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू और थ्री वेरिएबल्स एंड फॉर चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। Students, first of all, let us define consistent system and inconsistent system. What is consistent system and what is inconsistent system? First is consistent system. A system of linear equations is said to be consistent in its solution may be one or more. At this, yes, a system of linear equation is said to be consistent if its solution exists. अगर किसी linear equation का जो एक system है उसका solution अगर exist करता है then that system is called consistent system. उसका solution अगर exist करता है तो उसका solution unique भी हो सकता है और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। आदित्य हाल भी हो सकता है और सिस्टम के अनेक हाल भी हो सकते हैं। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ए system of linear equations is said to be inconsistent if its solution does not exist. लीनियर इक्वेशंस का कोई सिस्टम अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है देन वो सिस्टम कैसा कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अगर किसी जो रैखिक समीकरण का जो युग्म है उसके पास कोई भी हल नहीं होता है उस केस में वो सिस्टम कैसा कहलाता है? ये युग्म कैसा कहलाता है? इनकंसिस्टेंट। फिर हो गया, ये आपका टेंथ का कंसेप्ट था, ये आपने टेंथ में स्टडी किया था, प्रीवियस क्लास टेंथ में। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? कंसिस्टेंट सिस्टम मीन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और इनकंसिस्टेंट सिस्टम में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, हल नहीं होगा। यहां आदित्य हल होगा या अनेक हल होंगे, इस सिस्टम में कोई भी हल नहीं होगा। क्लियर हो गया बच्चों? अब जब आपको ये क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, उस सॉल्यूशन फॉर सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस एक्सरसाइज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस कंसेप्ट को हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ
linear equations using inverse of matrix, using inverse of a matrix. सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग, अब हम जो रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण जो है उनका जो एक युग्म है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उसका हल निकालेंगे यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका इस्तेमाल करते यूज करते हुए उसका हल निकालेंगे। क्लियर? लेट अस टेक ए सिस्टम of linear equations in three variables. Let's take a system of linear equations in three variables. a1x plus b1y plus c1 equal to b1, a2x plus b2y plus c1z. C2z equal to d2 and a3x plus b3y plus c3z equal to d2. This is a system of linear equations in three variables. Let A is a matrix having elements A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. These are elements of this matrix are coefficients of X, Y and Z. Let B is a matrix of variables, all matrix of variables X, Y, Z, X, Y, Z, X, and B is a matrix of, B is also a column matrix of elements B1, B2, B3, and B1, B2, B3 are all constant terms of this system of linear equations. Clear? Then this system of linear equations can be written as AX equal to B. This system of linear equations can be written as AX equal to B. Algebra of matrices. Algebra of matrices. Clear? That is, here A is equal to A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 into X, Y, Z is equal to D1, D2, D3. After solving multiplying these two matrices and getting the matrices, we get same the system of linear equations in three variables. Now there are two cases. Case one, if A is a non-singular matrix. A is a non-singular matrix. And we have studied in previous exercise, if A is a non-singular matrix, then the determinant of A, then determinant of A not equal to 0, then A inverse of the variable. Universal exists. Why? Because determinant of A not equal to 0.
क्योंकि ये सोलह सिग्नल हो चाहिए डिफरेंट नॉट इक्वल टू जीरो क्लियर ना ना वी हैव एक्स किस क्या होता है बी के बराबर एक्स किस क्या होता है बी के बराबर प्री मल्टीप्लाइंग प्री मल्टीप्लाइंग बाय इनवर्स बी के प्री मल्टीप्लाई का मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स को आपने लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई जब हम मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से तो हमारे पास क्या आएगा ए इनवर्स इनटू ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इट इंप्लाइज ए इनवर्स ए इनटू ए एक्स यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगी एसओ शेटी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन एसओ शेटी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड वी नो दैट एक्स क्या रहेगा आई इनटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी बिकॉज ए इनटू इनवर्स इक्वल टू इनवर्स ए इक्वल टू आई एंड वी नो आई इनटू एक्स इक्वल टू एक्स ए इनवर्स बी एक्स किस क्या रहेगा ए इनवर्स इनटू बी क्लियर This matrix question, this matrix equation provides new solution of provides new solution of for given system of linear equation. Yes. Why new solution for given system of linear equation? As the inverse of A inverse of matrix is inverse of matrix is unique. जैसा कि आपने previous chapter में पढ़ा था, अगर किसी matrix का inverse exist करता है, then inverse is unique. अगर किसी matrix का inverse exist करता है, तो वो unique होता है. और इस तरह से, अगर ये inverse exist करता है, तो इसका जो solution होगा, वो unique solution. Clear? And this method of solving system of linear equations is known as matrix method, known as matrix method. और इस method को हम क्या बोलते हैं जो system of linear equations solve करने के लिए use किया जाता है matrix method. क्या होगा? Next case two. Case two. If A is a singular matrix and we know the meaning of singular matrix. Therefore, determinant of A is equal to 0. इस केस में determinant of A कितना आएगा? 0 के बराबर. Now, this case 2. In case 2, now we calculate the value of
इंटरग्रेट एडजॉइंट ए इंटू बी, इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से, मैट्रिक्स बी से। इफ एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो, ओ जीरो जीरो मैट्रिक्स, ओ बोल सकते हैं आर्टिकल टू ओ आता है जीरो आता है, ये जीरो ओ इज अ जीरो मैट्रिक्स। आफ्टर सॉल्विंग मल्टीप्लीकेशन वी गेट, अगर जीरो के बाद इसका मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है देन देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। एंड यू डेट यू नो दैट इफ सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट देन गिवन सिस्टम इक्वेशन हैज अ गिवन सिस्टम इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, देयरफॉर देन द सिस्टम इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट and the system of linear equations is called inconsistent. इस केस में कैसा आएगा सॉल्यूशन, सिस्टम कैसा होगा, inconsistent. Yes. Next, if adjoint A into B is equal to zero, then system may be consistent or inconsistent, consistent according as the system has infinitely many solution or no solution yes. If adjoint A into B is equal to zero आता है then system may be consistent or inconsistent. Consistent कब होगा, जब उसके पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे, और इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब उसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। नाउ एक्सरसाइज 4.6 एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस इज ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैविंग वेरिएबल एक्स एंड वाई। वी हैव टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन, दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। गिवन x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 3, दिस इज 2 एंड दिस इज this system of linear equations can be written in the form as ax equal to b,
Ax equal to b, where a is equal to coefficients of x and y. Coefficients of x and y in first equation are 1, 2, and coefficients of x and y in second equations are 2 and 3. Coefficients of x and y will become the elements of this matrix A. Clear? X equal to, this is a column matrix having elements x and y variables, and B is also a column matrix having elements constant terms 2 and 3. Clear? This system of equations, linear equation, can be written in the format Ax equal to B, algebra of matrices, where A is equal to 1, 2, coefficients x, coefficient of x is 1, here coefficient of y 2. These coefficients become first row of this matrix, and here coefficient of x is 2 and coefficient of y is 3. These coefficients become second row of this matrix, and this is a column matrix having elements x and y variables x and y, and B is also column matrix having elements these constant terms. Now, अब हम डिटरमिनेंट ए निकालेंगे. नाउ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 1, 2, 2, 3. दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर. आफ्टर कैलकुलेटिंग वी हैव बी टेक प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक है, टी माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर A is a non-singular matrix. Non-singular matrix and A inverse exists. अगर A non-singular matrix आती है तो आपने अभी पढ़ा कि उसका inverse क्या करेगा? Exist करेगा. अगर किसी matrix का inverse exist करेगा, in that case it has unique solution. सॉल्यूशन जो आएगा उसका कैसा होगा? यूनिक. एंड दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. एंड दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इन दैट केस. देयरफॉर हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट इज consistent. So we have checked the consistency or inconsistency of this system of linear equation. This system of linear equation is consistent because its inverse exists and it has unique solution. Clear? This is the consistency of this system of linear equation. Now, question number 5, examine the consistency of this system of linear equations. Solution: given 3x minus y minus 2z equal to 2, here x variable is missing, therefore its coefficient is 0. We can write here 0 into x plus 2y minus z equal to minus 1, 3x minus 5y plus 0 into z is missing due to coefficient 0 of z. Clear? This system of linear equations can be written in the form Ax equal to B.
Ax equal to b. Here, sir. Matrix A is elements, coefficients of x, y, z. Coefficients of x, y, z of first equations are t minus 1 minus 2. T minus 1 minus 2. These coefficients will make the first row of this matrix. And coefficients of x, y, z in second equation are 0, 2, minus 1. These coefficients will make the second row of this matrix. And coefficients of third equations are 3 minus 5, 0. These will make the third row of this matrix. And the column matrix X having elements variable X, Y, Z. And the column matrix B having elements these constant terms 2 minus 1, 3. Clear? 2 minus 1. Now we have to calculate determinant A. Determinant A is equal to determinant of 3 minus 1 minus 2, 0, 2 minus 1, 3 minus 5, 0. Expanding along C1, B0. We have 3 into deleting first row, first column, we have elements of elements 3, 2, minus 1, 5, minus 5, 0, minus 0. Not need to write the determinant because here in multiplication is 0 and after multiplication it becomes 0. It becomes 0. Plus 3, deleting third row, first column, we have determinant having elements minus 1, minus 2, 2, minus 1. Clear? Is equal to 0 minus 5 minus 0 plus 3 1 plus 4 minus plus 1. You know, in case of second order element, we take the product of dynamic elements minus product of non-dynamic elements. So therefore we have 0 minus 5 and here 1 minus plus 4. Minus 15 plus 15 equal to 0. Therefore, determinant A is equal to 0. Therefore, A is singular matrix. We know when determinant A is equal to 0, then that matrix is singular matrix. Now in this case we have to calculate adjoint of A. We have to calculate adjoint of A. यहाँ हम क्या करेंगे? A matrix का adjoint find out करेंगे. After that we multiply adjoint A with the matrix B. Clear? If multiplication of adjoint A with matrix B is 0, it means system may be consistent or inconsistent. According as system have infinitely many solutions or no solution. And in other case, if adjoint A into B is not equal to 0, in that case solution does not exist and system of linear equation is inconsistent. Now to find adjoint of A we have to find minus and factors. और बच्चों जो पिछली एक्सरसाइजेस थी उसमें आपने माइनस और फैक्टर कई बार प्रैक्टिस किए, कई बार निकाले. मैं यहाँ adjoint A डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ. एलिमेंट्स माइनस 5 10 5 माइनस 3 6 3 माइनस 6 12 6. दिस इज adjoint ऑफ A. नाउ we calculate adjoint A into B.
रैंक ए मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, मैट्रिक्स बी के साथ, मैट्रिक्स बी इज 2 minus 1, 3. Now, you know, this is a pre-matrix and this is post-matrix. This is a matrix of order 3 cross 3 and this is a matrix of order 3 cross 1. Number of columns of pre-matrix are equal to number of rows of post-matrix. Therefore, its multiplication is possible and after multiplication, we get a new matrix of order 3 into 1. You know, first row, first column के साथ multiply होगी, element wise multiply करके कहाँ लिखेंगे, first row, first column, हमारे पास क्या है, -10, -15, -6, -6, +9, -12, +18, -5, -3, -6, और this is not equal to O matrix, 0, because its all elements are non-zero. Therefore, it is not equal to zero matrix. And we know if adjoint A into B not equal to zero, in that case, solution does not exist and given system of linearization is inconsistent. Therefore, hence the given system of linear equations is inconsistent because adjoint product of adjoint A and B is not equal to zero. Clear? This is our word consistency or inconsistency of system of linear having two variables or three variables.